दोस्तों, अक्सर आप देखे ही होंगे कि जहाँ भी बहुत सारी खेल स्पर्धाओं का एक साथ आयोजन होता है, वहाँ मशाल जलाने की परंपरा निभाई जाती है। ये परंपरा अब स्कूल से लेकर बड़े बड़े खेल आयोजन में निभाई जाने लगी है। दोस्तों, पर क्या आपको पता है कि इस परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई? अगर आपको इसकी जानकारी नहीं है तो हमारे इस वीडियो को पूरा देखें। आज हम आपको अपने ओलंपिक के किस्से वीडियो श्रृंखला में इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों, नमस्कार, मैं हूं अजय अम्बस्ट और आप देख रहे हैं खेल ढाबा का YouTube चैनल। दोस्तों, मशाल जलाने की शुरुआत ओलंपिक से हुई। यूं तो 92 में एथेंस में आयोजित ओलंपिक खेलों से आधुनिक ओलंपिक का शुभारंभ हुआ, पर मशाल जलाने की परंपरा की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम में आयोजित ओलंपिक खेलों से की गई। एम्स्टर्डम में एक ऊंची मीनार पर ओलंपिक मशाल जलाई गई, जो पूरी खेल के दौरान जलती रही। 1936 के वर्लिन ओलंपिक में पहली बार मशाल यात्रा का शुभारंभ हुआ। पहली बार मशाल को मेजबान देश के अलावा अन्य देशों में भी घुमाया जाने लगा। इसी परंपरा को आज तक आयोजक देश निभाते आ रहे हैं। धीरे धीरे इस परंपरा में उन्नति हुई। वर्ष 1952 में ओस्लो ओलंपिक में मशाल ने पहली बार हवाई मार्ग से यात्रा की। वहीं 1956 के स्कॉट होम ओलंपिक के दौरान मशाल की यात्रा घोड़े की पीठ पर संपन्न हुई। 1968 में मशाल को मेक्सिको से समुद्र के रास्ते दुनिया का भ्रमण कराया गया था। 1976 के मॉन्ट्रियल ओलंपिक में कनाडा ने एथेंस से ओटावा तक मशाल के सफर का सैटेलाइट प्रसारण भी किया था। 1994 के लिल्ले हैमल शीतकालीन खेलों के दौरान पैरा जंपरों ने पहली बार हवा में मशाल का आदान प्रदान किया। इससे एक कदम आगे बढ़ते हुए 2000 के सिडनी ओलंपिक में मशाल को ग्रेट बैरियर रीफ के पास समुद्र की गहराइयों में उतारा गया। टोक्यो ओलंपिक के मशाल के सफर में कोरोना वायरस के कारण फैले महामारी के कारण काफ़ी अड़चन आई। पिछले साल शुरू हुआ फिर बंद, इस साल शुरू हुआ जो कि अगले महीने टोक्यो पहुंचेगा। टोक्यो ओलंपिक के आयोजकों के अनुसार मशाल का ऊपरी हिस्सा चेरी ब्लॉसम के आकार का होगा। उन्होंने बताया कि इसे बनाने में वही तकनीक और वही धातु का इस्तेमाल किया गया जो बुलेट ट्रेन बनाने में किया जाता है। टोक्यो ओलंपिक का मशाल सुनहरे गुलाब की तरह है। 71 सेंटीमीटर लंबा और 1 किलो 200 ग्राम का है। साथ ही इसमें 2011 में भूकंप और सुनामी पीड़ितों के लिए अस्थायी मकान बनाने में उपयोग किया गया। एल्युमिनियम से निकले अपशिष्टों का इस्तेमाल किया गया है। किसी भी ओलंपिक में मशाल यात्रा की शुरुआत यूनान के प्राचीन शहर ओलंपिया से शुरू होती है। दर्पण की मदद से सूरज की किरणें की तेज से प्रज्वलित होने वाली यह मशाल ओलंपिक खेलों के आगाज से महीनों पहले अपनी यात्रा खत्म कर मेजबान शहर में पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे दिए हुए लाइक बटन को ज़रूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही खेल से जुड़ी खबरों के लिए खेल ढाबा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।